हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं दिल्ली टू शिमला जा रहे हैं और अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ में जो सरप्राइज है वो है विकास दुबे वो गौरव दुबे जी। अरे विकास दुबे इतने फेमस हो गए हैं कि इनका जो है दुबे सरनेम के आगे विकास ही लग जाता है हर एक किसी के आगे। तो आज गौरव जी हमारे साथ हैं, इनकी फैमिली भी है उधर, भाभी जी हैं और एक बच्चा है और इनके भैया हैं, तो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। यही सरप्राइज है, अब हम थोड़ा मतलब फैमिली के साथ में, ये पहली ट्रिप है कि किसी के साथ में हम मिल के जा रहे हैं। बाकी हाँ, पूरा रास्ता दिखाते रहेंगे और सारा कुछ आगे बताते रहेंगे, जैसे जैसे जो जो मस्ती करेंगे। तो इनके साथ भी खूब मस्ती आएगी। और कैसा लग रहा है अभी? तो बहुत अच्छा लग रहा है, बस सुबह सुबह निकले, अभी थोड़ा सा चले, अब देखिए कैसा लगता है आगे पहुँच। तो ये ट्रिप हमने जो है इन्हीं की वजह से, मैंने सैटरडे कर ली थी क्योंकि इनकी सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो इस वजह से, अदरवाइज मेरा प्लान तो मंडे ही निकलने का था। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। सो निकल गए हैं और ट्रिप मीटर एकदम जीरो कर लिया है और 5:30 हो रहे हैं सुबह के, तो 5:30 बजे हम निकल गए हैं। तो अभी थोड़ा सा अंधेरा है दिल्ली की सड़कों पे, और जैसे ही दिन होगा उसके बाद में फिर मैं पूरा आराम से व्यू दिखाऊंगा, पूरी बातें करते हुए चलेंगे। और थोड़ा सा चल रहा है किसान आंदोलन का उधर की साइड में, तो हो सकता है हमें रूट थोड़ा सा मतलब डाइवर्ट करके निकलना पड़े, ज़रूरी ना हो जौन सा रूट से हम जाना, मतलब सीधा वाला रूट है उससे ना जा पाएँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी। तो अभी हाईवे पे पहुंच चुके हैं और अपने साथ में आ रहे हैं दुबे जी, तो थोड़े स्लो चल रहे हैं क्योंकि उनका भी ध्यान रखना है। अब कोई साथ में जाता है तो ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, और उनको थोड़ा सा हिल्स में ड्राइविंग अच्छी नहीं आती, तो हिल्स में और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल मस्ती में चल रहे हैं आराम से, और ये मुरथल के आसपास पहुँच चुके हैं, कहीं पर अभी चाय वाय पियेंगे थोड़ी बहुत। और बाकी ट्रैफिक अब देख सकते हो इस टाइम मिलना शुरू हो गया है, थोड़े से लेट हुए हल्के से आधा घंटा, तो आधा घंटा पहले जाते तो थोड़ा सा कम ट्रैफिक होता। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:30, मतलब 1 घंटा हो गया है हमें चले हुए पूरा, और 1 घंटे में हम सोनीपत क्रॉस कर गए हैं, मुरथल पहुंचने वाले हैं। तो फर्स्ट टोल आ चुका है और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है कैश में, तो बाकी फास्टैग की तरफ शायद नहीं है इतनी लाइन, ये लाइन चल रही है। यूजुअली मेरे साथ होता क्या है, मैं जिस लाइन पर लगता हूँ वो लाइन बंद हो जाती है, और ये ज़्यादातर होता है मेरे साथ, जब भी मैं जिस लाइन में लगता हूँ टोल की वो लाइन बंद हो जाती है। बंद मतलब कुछ ना कुछ आगे किसी का टैग, वो या तो टैग काम नहीं करता है, हाँ, या कोई ट्रक वाला अटक जाता है, तो ये होता है यूजुअली। तो फर्स्ट टोल हो गया क्रॉस, तो ये जा रही है आगे टियागो विज दुबे जी की अपनी, और टैंक वाला कैप खुला हुआ है जो फ्यूल टैंक है, तो ऊपर का कैप खुला हुआ है, अंदर तो बंद है। खैर अभी कहीं रुकेंगे तो वहाँ पे जाके उनसे बोलूँगा जरा। वो पलटा पड़ा है, देखो ये होता है इस हाईवे पे काम चल रहा है, इधर देखो ट्रक पूरा पलटा हुआ है, अच्छा तकड़ा एक्सीडेंट हुआ है किसी चीज़ से, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है पूरा रोड पे काम चल रहा है इस पे, तो आपको बहुत लिमिट में चलाना पड़ेगा, बहुत आराम से पेशेंस के साथ में मतलब। ये देखो, तो ये अभी देखो कैसा कट मारा है ट्रक वाले ने, आप देख ही रहे हो, मतलब नो इंडिकेटर ना कुछ, और ही आगे दुबे जी की गाड़ी चल रही है बेचारे। बस यही चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है हमें हाईवे पे, बस मतलब एकदम अलर्ट रहना है, ट्रक वालों का कोई भरोसा नहीं होता कब किधर से निकाल दे, चाहे कितने ही होशियार हो चाहे चलाने में, वो कट ऐसे मारते हैं कि मतलब एकदम डर लग ही जाता है। तो अभी पानीपत पहुँच गए हैं और पानीपत का फ्लाईओवर पर चढ़ चुके हैं, तो यहाँ तक जो टाइम लगा है 2 घंटे लग गए पूरे, क्योंकि ट्रैफिक भी काफ़ी है और रोड बहुत ख़राब है। पीछे का रोड क्या है पूरा टूटा हुआ है जगह जगह पे, वो रोड पे काम चल रहा है, तो कहीं पे 1 लेन कहीं पे 2 लेन, एक साइड की बात कर रहा हूँ, तो इतना है बस, बन जाएगा फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये दिल्ली से निकलते ही और यहाँ तक पूरे में ऐसे ही काम चल रहा है पानीपत तक। तो अब पानीपत के आगे का रोड शायद अच्छा मिलेगा क्योंकि वो पहले से ही अच्छा था।
तो ब्रेकफास्ट कर लिया है। एक्चुअली खाने पीने की सारी वीडियो ना आपको मिलती रहेंगी फूड एंड हिस्ट्री चैनल पे, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़। तो सारा उस पर आपको मिलता रहेगा, कहाँ ब्रेकफास्ट, कहाँ लंच, कहाँ डिनर, स्ट्रीट फूड, ये सारा कुछ दिखाएंगे इस ट्रिप पे हम वहाँ का। तो उस चैनल का मेन मकसद यही था कि हम उस पर खाली फूड फूड का और स्टे का रखेंगे। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, ब्रेकफास्ट में पराठे खा लिए और अब कुरुक्षेत्र पहुँचने वाले हैं। करनाल से निकले हैं अभी। एक्चुअली कुरुक्षेत्र तो अभी यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, बट अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि टाइम हो गया है, 9 बज गए। हम बीच में काफ़ी स्लो हो गए थे, वरना 7:30 बजे तक हम पानीपत क्रॉस कर गए थे, और 7:30 बजे के बाद फिर आगे का ये 1.5 घंटा जो हमने लिया है वो थोड़ा ज़्यादा लिया, उसमें ब्रेकफास्ट भी हुआ है वैसे, तो इतना टाइम लग जाता है। और राइट साइड में यहाँ पे आपको हवेली और ये सारे बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिलेंगे, बट हम लेफ्ट साइड हैं तो लेफ्ट साइड में जो है छोटे पड़ते हैं ढाबे, उतने बड़े नहीं, पर राइट साइड में बड़ा वाला जो हवेली है वो यहीं पे पड़ता है करनाल में, थोड़ा सा पीछे अभी निकला है। और स्पीड जो है अभी गाड़ी की वो रख रहे हैं ज़्यादा नहीं, 85-90, क्योंकि 90 के ऊपर यहाँ पे क्या है कुरुक्षेत्र से आगे निकलते ही एकदम स्पीड वाले खड़े रहते हैं, तो रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। और अभी ना मुझे मेरी फेवरेट चीज दिखी पीछे, और मेरी और सरदार जी की, तो हरविंदर को बस हम आगे जैसे भी कुछ दिखता है हम बोलने वाले हैं अमरूद रखे थे अरे मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो पीछे, वो कह रहा है मेरे को बताया क्यों नहीं, पीछे निकल गया वो। एक्चुअल में अभी नाश्ता करके चुके हैं तो थोड़ा सा और आगे निकल जाएं, तो बस ये ना हमारा फेवरेट काम होता है रास्ते में से फ्रूट्स खरीदना। तो मैं और सरदार जी जिधर भी फ्रूट दिख जाए ना रास्ते में हम वहीं शुरू हो जाते कि हमें तो खरीदवा दो। हाँ वो कह रहे हैं हम दोनों को फ्रूट बहुत पसंद है, पता नहीं पापा को क्यों नहीं है। तो अभी विकास जी बार बार निकलता है गौरव भाई के साथ में, मतलब अब मैं उनका सरनेम नहीं बोलूँगा यार, वो सरनेम बोलता हूँ ना जब भी तो विकास दुबे निकलता है मेरे मुंह से बार बार। तो गौरव दुबे भाई जो है उनके साथ मस्ती करते हुए चलेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे, वहाँ जाके भी खूब फन करना है। साथ में लेके आओ किसी को जब भी, तो मतलब फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी लो उसके लिए। अब उनको यूजुअली अकेले वो जा नहीं पाते थे, उनको थोड़ा सा लगता था कि नहीं अकेले जाना थोड़ा सा रिस्की है, उनको ऐसा थोड़ा सा लगता है, तो कोई नहीं आप ज्वाइन करो आराम से, और साथ में होता है ग्रुप टाइप बन जाता है एक, तो आपका बात करने के लिए भी लोग होते हैं, थोड़ा सा आपका मन भी लगा रहता है, कई बार कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एटलीस्ट हेल्प कर देते हो। मुझे तो आदत हो गई है, पर उनको क्या है अभी थोड़ा सा हाईवे वगैरह पे गाड़ी चलाने की आदत कम है, वैसे चलाते तो हैं, और बाकी उनका जो है मेन हिल्स में उनको ज़्यादा दिक्कत है, उन्होंने बताया कि हिल्स में मैं गाड़ी कभी नहीं चलाई है, तो मेन वहीं पे उनको थोड़ा सा आराम आराम से समझा के लेके जाऊंगा, पीछे पीछे चल रहे हैं बिल्कुल। तो अभी हम अम्बाला पहुंचने वाले हैं और 208 किलोमीटर चल चुके हैं, तो थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा पड़ता है मुझे इधर से, वैसे दिल्ली के अगर मिड से बात करें तो 200 किलोमीटर पड़ता है अम्बाला, बट मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ रहा है। अब अम्बाला, अम्बाला के बाद सीधे पंचकुला, चंडीगढ़ में से घुसेंगे नहीं, पंचकुला से निकल जाएंगे बार बार, और वहाँ से सीधे फिर वो परवाणु रोड आ जाता है, उस पर हो जाएंगे। तो कल एक दिन पहले का मैं बता रहा हूँ, किसान आंदोलन का काफ़ी वो था इधर, और मुझे भी लग रहा था कि शायद रूट चेंज करके जाना पड़े, बट अभी तक मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं है कहीं पे, मतलब काफ़ी मांगे हैं जो वो अपनी पूरी करनी चाह रहे हैं, तो उसी के लिए था, बट आज का अभी तक तो पता नहीं चला है कि अभी तक कुछ, मुझे अभी तक नहीं लगा है कि ऐसा कुछ दिक्कत है रोड पे, हाईवे जाम या कुछ ऐसा कुछ अभी तक नहीं लगा है। कल सुन रहे थे कि अम्बाला के बाद में जो हाईवे है चंडीगढ़ वाला उस पर जाम लगा हुआ था, पर आज का अभी पता ही नहीं है, अभी देखते हैं वो आगे जाके। तो अभी अम्बाला कैंट क्रॉस हो चुका है, यहाँ से लेफ्ट साइड और पीछे अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन था, तो ट्रैफिक मतलब उतना तो नहीं है जितना पहले हुआ करता था, अभी तो बहुत कम है पहले से। और यहीं से रास्ता कटता है थोड़ा सा आगे से लुधियाना साइड और जलंधर साइड, वो अलग रास्ता हो जाता है, तो अमृतसर लुधियाना बिल्कुल सीधा लगा हुआ है, और चंडीगढ़ के लिए शायद यहाँ से लेफ्ट होना होगा, अम्बाला सिटी रह गया यहाँ से लेफ्ट साइड में, तो ये आ गया है चंडीगढ़, यहाँ से देखो लेफ्ट होके फिर ऊपर से हमें मुड़ना है।
और इधर के लिए सीधा निकल जाना है, और ये अम्बाला का सामने आपको गेट दिख रहा होगा, बड़ा मस्त बना हुआ है ये तो। ये पूरा मतलब धनुष टाइप बना हुआ है और बड़ा मस्त लग रहा है एकदम, गोल्डन कलर, और बीच में हरियाणा, और यहीं से हम लेफ्ट हो जाएंगे चंडीगढ़ के लिए। ये आगे से घूम जाएगा फिर, ये यहाँ से रूट चेंज हो गया है। सरदार जी को गोवा याद आ रहा है, गोवा गोवा के पीछे पड़े हुए हैं ये दोनों। तो पहला बैरियर हमें अम्बाला क्रॉस करके मिला है ये चंडीगढ़ हाईवे पे, वरना अभी तक कुछ दिक्कत नहीं थी कहीं भी। यहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं और वो उसको रोक रहा था, जाके एक बहुत सारे लोग बैठे हुए जा रहे हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे मतलब बस बैरियर लगे हुए थे, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं। और स्पीड लिमिट अभी 80 हो गई है इस हाईवे पे, अभी तक 90 थी पीछे पूरे हाईवे की, तो यहाँ से स्पीड लिमिट जो है वो अब 80 कर दी है इन्होंने। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा अब हमें। अभी तक क्या 90 तक खींच रहा था मैं आराम से। थोड़ा जगह जगह हाईवे पे काम चल रहा है, काम मतलब वो सफाई का काम चल रहा है, जो बीच में डिवाइडर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनका कटिंग वगैरह हो रही है, क्योंकि बरसात के सीजन में क्या होता है घास काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो वो उसको काटना पड़ता है, फिर सेट करना पड़ता है। और यहाँ से शिमला दिखा रहा है 136 किलोमीटर, मतलब अभी लग जाएंगे आराम से 3-4 घंटे मान के चलो, अभी लग जाएंगे आराम से, क्योंकि हम चल बहुत स्लो रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। दुबे जी हैं तो थोड़ी सी वो स्लो चला रहे हैं, और अच्छी बात है ये, क्योंकि उन्हें फैमिली भी साथ में है जैसे, और बच्चा है, और अब देखते हैं, उनसे बात करूंगा, पूछूंगा उनसे कितना कंफर्टेबल है कि नहीं है। यूजुअली होता क्या है, हम किसी दूसरे के साथ जाते हैं तो कई बार बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एकदम घुल मिल जाता हूँ किसी से भी, उनका नहीं पता उनकी फैमिली का, तो थोड़ा सा मतलब जाके बात करने पे पता चलेगा। अभी तो क्या है, दूर दूर बैठे हम अपनी गाड़ी में, वो अपनी गाड़ी में। तो अभी चल रहे हैं पंजाब, मतलब जीरकपुर आने वाला है, उसके बाद यहाँ से 7-8 किलोमीटर आगे चंडीगढ़ आ जाएगा। और ट्रैफिक बहुत है इस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी भी है इधर काफ़ी, अभी तो मतलब अच्छी गर्मी लग रही है, बाहर निकल के गया था जैसे मैं गाड़ी से उतर के। सो गाइस, अभी पहुँच चुके हैं हम पिंजौर, और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है यहाँ तक का, लगभग 6 घंटे लग गए यहाँ पे पहुँचने में। और अपने गौरव दुबे भाई इधर खड़े हुए हैं, उनकी गाड़ी है ये टियागो विज, तो मतलब मस्त है ये भी, दोनों टियागो साथ में हो गई हैं। और होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अब अगली वीडियो जो होगी उसमें हम दिखाएंगे आपको थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह के, बॉर्डर पर एंट्री वगैरह के लिए क्या रूल्स हैं या क्या अभी चेक कर रहे हैं हिमाचल में, तो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और बाकी मैंने भैया से पूछा कि कंफर्टेबल फील कर रहे हो नहीं कर रहे, तो बोल रहे हैं कि हाँ कर तो रहा हूँ अभी। बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, बाकी अभी और शाम को दिखाते हैं पहाड़ों कैसा है। तो बाकी अगला जो वीडियो आएगा वो पूरा पहाड़ों से आएगा, अब क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं सोचा हूँ कि 2 पार्ट कर देता हूँ, एक पिंजौर तक का और यहाँ तक का रास्ता बड़ा मस्त रहा, अब आगे का देखते हैं कैसा है। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना, बाकी भैया के फ्रेंड भी सब्सक्राइब कर देना। सबको शेयर करूंगा बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।